जय हिंद वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जय हिंद जय हिंद पहला ही दिख रहा है इंडिया जीत गया <laughs> ये सबसे बड़ा करंट अफेयर्स होगा ना आज का तो जय हिंद क्या मेरी आवाज सबको एक बार आ रही है बता दो तो जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं नॉट ऑडिबल क्या हो गया भाई हेलो 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 एक बार बता दो जल्दी से आवाज आ रही है ऑडिबल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके okay, मैं ठीक हूं यार मैं एकदम ठीक हूं एज ऑलवेज चलिए भाई फिर शुरू करें काफी टाइम से आपकी तीन चार दिन से क्लास नहीं हो रही थी एंड कोर्स एक दिन संडे हो गया एक दिन कुछ रीजन हो गया है ना तो आज हम लोग करंट अफेयर्स जो करने वाले हैं वो बेसिकली 26 से स्टार्ट करेंगे 26 का होगा 27 का होगा 28 का होगा तीन दिन का है हम लोग डेट उन्तीस के रख रहे हैं क्योंकि आज ट्वेंटी है ठीक है काफी लंबी क्लास हो सकती है क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली आज यहां पर पचास क्वेश्चन मेरे ख्याल से चालीस के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे ठीक है तो चलो भाई स्टार्ट करें ठीक है तो मैं स्टिल आई एम सटिंग डाउन ओके बड़े शुरू करें एक नया शुरुआत करते हैं शुरू करें तबीयत या तब यार उतनी ठीक तो नहीं है पैर अभी भी थोड़ा सा जो घाव था वो तो ठीक हो गया बट स्वेलिंग नहीं जा रही है मुझे मेरी सर से बात भी हुई थी तो कह रहे थे सर अगर आप स्वेलिंग नहीं जा रही है तो एक बार आपको एक्सरे करा लेना चाहिए माइट भी आपको क्योंकि अगर स्वेलिंग ना जाने का एक सिंपल रीजन होता है कि शायद हेयरलाइन हो सकता है ऐसा कुछ बोल रहे थे बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि पेन वगैरह तो है नहीं मुझे बट स्वेलिंग नहीं जा रही है इसलिए आज देखो आज कल में अपन दिखाते हैं इसको चलिए स्टार्ट करें फिर या शुरू करते हैं ना ड्राॅइंग कर लो जल्दी जल्दी चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आइए देखिए ये क्या देख रहा है सवाल क्या आ रहा है सवाल क्या है है अभी अभी रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया अब ऐसे एक बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलते हैं लेकिन चूंकि उसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इसलिए वो ऑटोमेटिकली करंट अफेयर्स का एक पोर्शन बन जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है किसके लिए है ये? खोला गया है कैंसर पेशेंट्स के लिए ठीक है ना तो ये हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के लिए है दूसरा आपसे पूछ सकता है कहां खोला गया है तो आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ में खोला गया है कहां खोला गया है चंडीगढ़ में ठीक है ना ठीक है अब और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि ये होमी भाभा होमी भाभा के बारे में आपने सुना होगा एक इंस्टीट्यूट चलता है बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं बार्क है ना भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए बोला था ठीक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नोट कर लीजिए तो फिलहाल यहां पर सवाल यह है कि भाई पीएम मोदी साहब ने पीएम मोदी साहब ने कौन सा ही हॉस्पिटल खोला है और कहां पर खोला है दोनों का ऑप्शन क्लियर होना चाहिए एक आंसर इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया क्लियर हो गया ठीक है अच्छा ये वाला टेम्पलेट तुम तो लोगों को कैसा लग रहा है उस ब्लैक वाले के मुकाबले उस ब्लैक वाले के मुकाबले कैसा लग रहा है जब ब्राइट और देखने में कैसा लग रहा है एक बार अपना फीडबैक तो जरूर बताओ एक बार फीडबैक बताओ उसका कैसा लग रहा है टू वाइट ब्राइट तो मतलब विजिबिलिटी कैसी है प्लीजेंट टू आइज है या नहीं है वरना उसको चेंज करें क्योंकि मुझे लगा था कि ब्लैक वाला बहुत डार्क हो रहा था और सुबह सुबह तुम लोग उठ के देखोगे तो पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है मैं भी तुम लोगों को ब्लैक दिख रहा हूँ <laughs> सोचा कि यार कम से कम ये वाइट हो जाए <laughs> अपन तो नहीं हो सकते अगर <laughs> क्या कहते हो कंफर्टेबल है ना मस्त है ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा है क्लियर दिख रहा है अच्छा है सर जी मुस्कान कह रही है दिन है सर लग रहा है हाँ बिल्कुल सही है ठीक है ओके okay, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिसेंटली न्यू इंडिया बुक लॉन्च बेस्ड ऑन अब ये किताब लॉन्च करी गई थी किताब का नाम है आपके बुक्स एंड ऑथर्स में सवाल एसएससी एग्जाम में कोई भी वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि किताब है न्यू इंडिया किसके ऊपर आधारित ये किताब है लॉन्च करी गई है ये लॉन्च करी गई है सी अरुण जेटली जी के ऊपर अब ये अरुण जेटली जी की इस किताब में क्या बताया गया इसमें ये बताया गया है कि अरुण जेटली साहब ने 2014 से लेकर 2019 की जो जर्नी है एंड द मेजर स्टेप्स एंड पॉलिसीज टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट वो इन्होंने उस पर बताया अब देखो जनरली क्या होता है वैसे तो ये एक तरह की ऐसी किताब है जो प्रो गवर्नमेंट ही होगी ठीक है बट यूपीएससी इन चीजों को अवॉइड करता है बट यू नेवर नो क्योंकि यूपीएससी भी गवर्नमेंट का ही हो जाता है तो कुछ कह नहीं सकते इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है ये किताब 2014 जैसे कि अब हर चीज को कवर करेगी काफी मेन मेन एस्पेक्ट्स पे हिट किया है इस किताब में अरुण जेटली साहब की बातों को यहां बताया है जैसे कि एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन जैसे कि जीएसटी इन सारे मेन इश्यूज पे इस किताब आपको बात करती है ठीक है ना डीमोनेटाइजेशन जैसी चीजों पर आस्पेक्ट बात करती है डी मोनिटाई मोनेटाई नोट करिए ठीक है और जैसे कि मैंने बताया आपको जीएसटी की कॉन्सेप्ट करती है एक्सेट्रा ठीक है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्ट कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी अब भाई कौन सा रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी रिसेंटली पहली नाइट सफारी स्टार्ट कर दी है देखो यार ये अभी अभी शुरू हुआ है लखनऊ के अंदर ठीक है ना उत्तर प्रदेश की सरकार जो है यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है उन्होंने कहा जो कुकरेल यहां पर फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये पहली फर्स्ट नाइट सफारी शुरू करी जाएगी जैसे कि सिंगापुर की नाइट सफारी होती है ठीक है उसी तर्ज पर यूपी गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने क्या किया है ये डिसीजन लिया है योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि लखनऊ में ये चीज किया जाएगा ठीक है ना और लखनऊ आपको पता है अगर अगर कोई स्टूडेंट लखनऊ से जुड़ा होगा तो लखनऊ का जो कुकरैल पिकनिक स्पॉट वहां एरिया जो पड़ता है कुकरैल फॉरेस्ट वाला एरिया वहां पर इसको बनाया जाएगा कुकरैल फॉरेस्ट एरिया नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टेट पूछा गया है उत्तर प्रदेश इज दी करेक्ट आंसर नोट करिए ठीक है है कोई यहां पर लखनऊ का है कोई लखनऊ का यस प्लीज नी वन एनी वन है देवेंद्र कह रहा है लखनऊ अच्छा चलो बड़े क्वेश्चन नंबर चार पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर वन यूनेस्को पीस प्राइज 2022 इनमें से कौन है वर्ल्ड की लीडर एक वेरी रिनोन फेस जिनको अभी भी यूनेस्को का वर्ल्ड पीस प्राइज दिया सॉरी यूनेस्को का पीस प्राइज दो दिया गया है देखो यार अब आपको ही होगा यूनेस्को एक एक ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है पेरिस के अंदर एवरी वन नोज अबाउट इट ये इसका हेडक्वार्टर है ठीक है अब ये पीस प्राइज दो किसको दिया गया है ये जर्मनी की एक्स चांसलर थी एंजेला मर्किल उनको अभी रिसेंटली ये पीस अवार्ड किया गया है ठीक है ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एग्जाम में अगेन एसएससी बैंकिंग कहीं भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो आ, और अच्छा अब दूसरी बात है कि एनडीए जो हो रहा है वो तो 4 सितंबर को हो रहा है लेकिन जो नेक्स्ट एनडीए होगा यानी एनडीए दो ऑफ तेईस वहां सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जहां पर हम कर रहे हैं मैं आपसे एक एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के बेहतर के लिए ही है कि यार डेली करंट अफेयर्स कर लेना ठीक है ना ये तुम लोग जो मंथली करंट अफेयर्स का वेट करते हो फिर उसके बाद सिक्स मंथली वेट करते हो एक्चुअली चीजें पाइलअप हो जाती है ना तो तो उसको रिटेन करने में दिक्कत रहती है है ना रिटेन कर, करना मुश्किल हो जाएगा डेली के डेली क्या हो रहा है, कितने, कितने है आएगा तो इसी में से आ जाएगा मतलब मैं लीचड़ से लीचड़ सवाल ही बना के ले आता हूं यहां पर है ना मतलब अच्छा से अच्छा सवाल भी होता है प्रॉबिलिटी है और ऐसे सवाल भी होते हैं जिसके आने की लीजिलिटी है तो जब हर चीज तरह का क्वेश्चन तुम रोज प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें रिटेन भी रह जाएगा वही अखबारें पढ़ोगे वही कहीं तुम सोशल मीडिया में तुम वो कर लिया करोगे वैसे मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया तुम इस्तेमाल करो तो एटलीस्ट अखबारों के पेज को फॉलो कर लिया करो है ना हिंदू को फॉलो कर लो दर्णयन एक्सप्रेस को फॉलो कर लो ठीक है इन न्यूज पेजेस को फॉलो कर लिया करो कम से कम इंस्टाग्राम खोलो भी तो एटलीस्ट मेक अ पॉजिटिव यूज ऑफ दोज सोशल वेबसाइट्स है ना ठीक है तो ये सब भी चीजें करो बट ऐसे भी इस्तेमाल कर लो उसको ठीक है ना कभी बीच में स्क्रॉल करते करते कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लैश हो गई तो आपको पता है कुछ एप्स को डाउनलोड करके रखो टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड कर लो तुम्हारे तो पास न्यूज ऐसे पिन कॉमन आने चाहिए ठीक है ना चलिए तो ये फिलहाल यहां पर क्या हो गया कि भाई यूनेस्को का पीस प्राइस दो किसको यहां अवार्ड किया गया है ये जर्मनी की चांसलर थी ये जर्मनी की चांसलर थी लिखिए जर्मनी चांसलर जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल ठीक है इनको रिसेंटली पर यूनेस्को का पीस का दिया गया है क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट हो गया विच ऑफ दीम प्राइम मिनिस्टर के बारे में तुमको पता होगा रिसेंटली दो साल पहले की शुरू शुरू हो रहा था माली के अंदर बहुत बड़ा कूप हुआ था ठीक है ना माली के अंदर बहुत बड़ा मिलिट्री कूप हुआ था ठीक है और उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी अभी अभी रिसेंटली वहां पर इंटरम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे थे बीमार हो गए उसकी जगह एक प्राइम मिनिस्टर पर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है कर्नल अब्दुल्ले मैगा कर्नल अब्दुल्ले मैगा तो इंटरम प्राइम अब देखो देखो ये सवाल लीस्ट क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में आएगा मैं लीस्ट क्यों बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब ये इंटरम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है अब क्या कभी किसी एग्जाम में इंटरम पूछा जाएगा नहीं क्यों क्योंकि बोलो पेपर बनते बनते पेपर बना एक महीने बाद एग्जाम होना है बोलो फुल फ्लेट प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो जो चीज सब्जेक्टेड टू चेंज है कभी उस पर सवाल नहीं मिलने वाला है ठीक है चाहे तो तुम यूपीएससी की बात करो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करो चाहे तुम तो नीचे आ जाओ चपरासी लेवल तक के एग्जाम की बात करो किसी भी एग्जाम की बात करो ऐसा सवाल मिलना मुश्किल होता है जहां पर कुछ चीज ऐसी टू चेंज ऐसे कभी भी आपको रेपो रेट एक्सेट्रा नहीं पूछा जाता है बहुत ही रेयर होता है क्यों क्योंकि बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई की आती रहती है कभी कभी हमारे राजन भाई के टेन्योर में तो पैतालीस दिन में आ गई थी बाई मंथली पॉलिसी जो दो महीने में आना चाहिए थी फोर्टी फाइव डेज में आ, आ गई थी तो यू नेवर नो कि आर बाई कब कब क्या करना पड़ जाए और ऐसे में वो सवाल गलत हो जाता है ठीक है ना तो यहां पर क्या हुआ है कि अभी देखो इसलिए मैंने कहा ना लीस्ट अब डेली करोगे तुमको इस चीज का अपडेट ही मिलेगा ये लीस्ट प्रॉबिलिटी है सवाल के आने की लीस्ट प्रॉबेबिलिटी ठीक है ना तो देखो कौन है इंट्रीम प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली राइट नाउ कर्नल अब्दुल्ले मैगा नोट कर लीजिए ठीक है कर्नल अब्दुल्ले मैगा नोट कर लीजिए क्लियर है ठीक है मेल कहाँ है मेल किस चीज का म्यूजिक एंड गेमिंग मै ना मानिया मेल कहां है मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो कमेंट क्या लिखा हुआ है अरे यार चलिए मीना यार माली लिख रहा है वो माली <laughs> माली कंट्री है भाई चलिए आगे बढ़े बढ़े आगे क्लियर है अच्छा मैं ओहो अरे यार ये एक अफ्रीकन नेशन है ना भाई मैं तुम लिख रहे हो कि माली क्या है कंट्री है माली अफ्रीकन नेशन है ये माली ठीक है यहां पर हो गया था मिलिट्री कूप 2020 में तब से उसके बाद बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही और सिचुएशन वैसी खराब हो गई बिकॉज ऑफ कोविड नाइन क्लियर है चलो आगे बढ़े नेक्स्ट विच ऑफ दन दी पुलिटर प्राइज दो हजार बाईस अब बताओ जरा पुलिटर प्राइस पहले किस फील्ड में दिया जाता है उसके बाद ये बताओ कि किसको मिला है पुलिटर प्राइस दिया जाता है इन दी फील्ड ऑफ जर्नलिज्म नोट कर लो पुलिटर प्राइस दिया जाता है इन दी फील्ड ऑफ जर्नलिज्म न्यूज पेपर ठीक है तो कोई जगह न्यूज पेपर के लिए कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर आर्टिकल करता है या फिर जर्नलिज्म फ्री जर्नलिज्म की बात करता है फ्रीडम ऑफ ऑफ प्रेस की की बात करता है, इन सब की बात करता करता है है इन इन सब तो प्राइस इज गिवन द फील्ड जर्नलिज्म जनरली आपसे किसी भी एग्जाम में एक बार नहीं दसियों बार एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है कि पोलिटिजर प्राइस किस फील्ड में दिया जाता है बैंकिंग एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में स्टेट पीसीएस एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है प्राइस किस फील्ड में दिया गया अब सवाल यह आता है किसको दिया गया है 2022 का प्राइस ए अजीम को बी राहुल बजाज को सी शिवनादर को ए डी आजिम हाशिम को हाँ भाई ये ऐसा लग रहा है मेरे नाम लगा के कॉमन बना दिया ऑप्शन बना जी किसको मिला हुआ है बिल्कुल सही है है फहमीदा फहमीदा अजीम को को मिला दिया गया ए इज द करेक्ट आंसर पुलिटा प्राइज दो हजार बाईस फहमीदा अजीम को दिया गया है क्लियर हो गया ठीक है ना ना फहमीदा अजीम की बात करेंगे तो बिलोंगिंग टू बांग्लादेश बिलोंगिंग टू बांग्लादेश ठीक है क्लियर है ठीक है जी होल राइट बढ़े आगे आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मन लिबर्टी मेडल दो हजार बाईस अब देखो लिबर्टी मेडल किसको दिया गया है लिबर्टी मेडल नाम से पता चल रहा है जहां पर कोई ऐसा मेडल है या ऐसा कुछ अवार्ड है जो तो कहीं फ्रीडम की बात करता है ना जो कहीं डेमोक्रेसी की बात कर रहा होगा लिबर्टी मेडल ये दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंसकी को नोट कर लीजिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंसकी को दिया गया ऑफकोर्स आप रीजन समझ सकते हैं रशिया से जिस तरह से लड़ाई चल रही है और उसमें उन्होंने अपने सिटीजन को किस तरह से सेव से किया और उसके बाद जेलेंसकी स्टिल फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन यूक्रेन रशिया चाह रहा है कब्जा करना है बट ही स्टिल फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी उसको लेकर यहां पर जेलेंसकी को नोट कर लीजिए, ये ये कौन है? ये आपके यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ठीक है इनको दिया गया है ये लिबर्टी मेडल नोट कर लो यही एग्जाम में पूछा जाएगा बस यही एग्जाम में पूछा जाएगा नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए क्लियर है क्लियर हो गया सिंपल क्वेश्चन है ना वन ऐसी देखो क्वेश्चन रहता ही है ठीके? और ये डेली डेली करते चले जाओ तो बस मजा आ जाएगा तुम लोगों को एग्जाम के दिन लगेगा सारा क्वेश्चन तो सर किया कर आया था अब डेली करोगे तो हो जाएगा आप सोचो जरा अगर आप डेली ऑन एन एवरेज पंद्रह क्वेश्चन करोगे आपके महीने में होते तीस दिन ठीक है तीस दिन आप करोगे अब आप मांग, आप मांगे चलो अभी क्लास पच्चीस दिन हो रही है तो यार आप ऑलरेडी यहां पर देखोगे तो यू आर डूइंग समवेयर अराउंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पंद्रह में पचहत्तर सात तीन सौ पचहत्तर क्वेश्चन करोगे मंथली और सोचो आपका एग्जाम अगर छह महीने बाद है तो इंटू सिक्स करके देख लो ये अप्रोक्सीमेटली आप टू थाउजेंड इशूज कवर करोगे और भाई दो हजार इशूज रट लोगे छह महीने में डेली पंद्रह तो रटी लोगे ना और जब डेली पंद्रह रटोगे उसमें भी आप देखोगे तीन तो सौ पंद्रह डेली कर रहे हो पंद्रह में से खाली पांच सवाल होते होंगे जो बहुत ही एकदम तगड़े सवाल है जिसकी आने की हाई पॉसिबिलिटी है ठीक है पांच सवाल और पांच सवाल को पच्चीस से करो तो एक सवाल ही तुमको मिलते होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सौ तो पच्चीस को इंटू छह महीने से कर दोगे तो आपको समझ में आएगा छह पंजे तीस तीन बारह पंद्रह अरे सात सौ पचास एक सौ तो पच्चीस इंटू यही क्वेश्चन होंगे जो मेन मेन होंगे तो इसको रोज कर रहे कोशिश करो ये आपके मेन क्वेश्चन निकल के आएंगे 750 800 इश्यूज ही आएंगे उसमें से आपके डेफिनेटली अगर तुम एनडीए दे रहे हो अगर तुम एसएससी दे रहे हो यार डेफिनेटली तुमको वहां से सवाल मिलने ही बनने वाले हैं क्योंकि एकदम निचोड़े सवाल है ना जिसको ज्यादा पढ़ना है कोई कहता है ना सर इसके बाद क्या मैं और मैगजीन देख लूं सर क्या आपके करंट अफेयर्स सफिशिएंट है भाई हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले सवाल ये हैं जो आ सकते हैं और ये मैंने इतने कराए हैं लगभग लगभग आप देखो 200 2000 से प्लस जाएंगे 2000 के एप्रोक्सीमेटली होंगे एप्रोक्सी 2000 भाई ये है अगर सब पढ़ना चाहो इंपॉर्टेंट हो या ना हो और एक ये है जो हाई प्रोबेबिलिटी रखता है ठीक है तो दोनों की रेंजस में आ, आप अगर ये रट लो पहले अच्छे से तो फिर ये कर लो समझ में आ रहा है ना क्लियर है ना चलो इसलिए कह रहे हैं कि भाई डेली डेली करो तो फायदा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज डीआरडीओ चेयरमैन अभी अभी किसको डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया गया है चेंज हो हो गए भाई साहब अब देखिए कौन गया है, है? विक्रम के दुरास्वामी बी आशीष धवन सी समीर वी कामत या डी राजकुमार राय सी समीर वी कामत अभी रिसेंटली ये बना दिए गए हैं डीआरडीओ के चीफ नोट कर लीजिए व्हाट इज डीआरडीओ डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है डीआरडीओ के ये नए चीफ हो चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेड इंडिया फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन सा वो राज्य है फर्स्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का जिसने फर्स्ट थ्री प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना लिया है प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस क्या होता है देखो यार जैसे कि आपको पता है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने एक आई थिंक लास्ट ईयर की बात है मैंने डी डब्ल्यू के चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाला था इंडिया का पहला थ्री प्रिंटेड एक हाउस एक बिल्डिंग ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे ना थ्री प्रिंटेड क्या होता है कि घर का एक ऐसे एक पूरा Uh, फरमा ऐसे आपने बहुत सारी चेयर देखी होंगी पार्क्स में पड़ी रहती हैं है ना वो कैसे ऐसे यहाँ पर ऐसे इस टाइप की होती हैं है ना जब आदमी बैठेगा तो उसको इस तरह के शेप में रहती हैं ठीक है ना ऐसे शेप में रहती हैं है ना ऐसे ऐसे कुछ होती हैं तो ये देखो कैसे ये मोल्ड है कैसे ये घूमी हुई है ना ये किस तरह से घूमी हुई है देखो ऐसे घूमी रहती है ना ये ऐसे घूम के आती है तो ये सब कैसे फॉर्म हो रहा होगा ये एक तरह थ्री डी प्रिंटिंग होता है जहां पर आप चीजों को मोल्ड भी कर लेते हो और उसमें क्या होता है जैसे आप घर बनाना ना आपको तो आप खाली फर्मा रखते हो जो भी घर का ढांचा होता है फिर उसमें अपने आप वो थ्री डी प्रिंटेड मतलब इस तरह की चीजों से डाल डाल के उसको कर देते हैं। उसमें इस तरह का कोई ईटा चुनाई सब चीजें नहीं होती है ठीक है ना थ्री डी प्रिंटिंग के थ्रू ही करा जाता है आपको एकदम पहले बना के देख लेंगे कैसा होगा और फिर उसके बाद एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी कर देंगे ठीक है ना ठीक है ना प्लीज रिप्लाई वेन यूपीएससी वाला बैच विल स्टार्ट यार सर ने बोला है सर उसको कुछ चीजें कुछ चीजें मेरे लिए सरप्राइज हो जाती है ठीक है तो यह चीज कहां करा गया है है अब देखो ऑफ कोर्स इस तरह की चीजें यहां पर इनोवेशन ध्यान रखना कहा बंगलुरु के कर्नाटका में किया गया है सॉरी कर्नाटका के बंगलुरु में किया गया है, नोट करो कर्नाटका के बंगलुरु में किया गया है इसको नोट कर लिया जाए वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए हैप्पी बर्थडे नव नव नया मेरी लास्ट वाली मैराथन देख लेना जिसने मेरी अभी तक शक्ति 2.0 की मैराथन नहीं देखी है वो ना देखी है थर्टी फर्स्ट को जो मैराथन लेने वाला हूं डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल थर्टी फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट इस दिन जो मैं मैराथन लूंगा भाई इस मैराथन को मत छोड़ना ठीक है अगर किसी को एमराथन देखनी है बिल्कुल देखना क्योंकि तो ये कवरेज करेगी मार्च से लेकर जुलाई तक का थर्टी फर्स्ट जुलाई तक का कवरेज है फर्स्ट मार्च से ठीक है और किसी को अगर एग्जाम देना हो उसका एक साल का करंट अफेयर आ रहा है तो उससे पहले जो मैंने दस अप्रैल को क्लास ली थी जो मैंने नाइन्थ अप्रैल या टेंथ अप्रैल को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है जो क्लास मैंने नाइन्थ अप्रैल दो को ली थी उसको देख लो क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर्स है वो अक्टूबर से लेकर फेब तक का है अक्टूबर 21 से लेकर फेब 22 तक का है तो उसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर पांच महीने करंट अफेयर्स वहां मिलेगा तो आपका एक तरह से आप दो क्लास देख सकते हो एक तो ये अक्टूबर से फेब और फिर मार्च से जुलाई तो आपका ये ऑलमोस्ट एक साल का ये कवरेज यहां पूरा हो जाएगा ये दो क्लासेस देख लोगे तो काम आपका हो जाएगा मतलब आपको सारा निचोड़ जितना भी करंट अफेयर्स हो सकता है इसी क्योंकि देखो जो पिछली बार कराई थी इसमें से दस ग्यारह में से या तेरह में से आई थिंक दस सवाल यहां पर आए थे मेरे से था कि यार तीन सवाल देखो ये भी आए थे बट एनी वे के तो मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया अभी वीडियो पड़ा हुआ देख सकते हो ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल विच ऑफ इंस्टीट्यूशन सेंटर चेंज देर नेम आफ्टर लोकल सर ने इसका एक शॉर्ट भी बनाया था वो कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो अपना नाम बदल रहे हैं चेंज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं अपने जो लोकल हैं, उनके नामों पर कौन कर रहा है क्या वो डी कर रहा है क्या आइसरो कर रहा है क्या रॉ कर रहा है या एम्स कर रहा है करेक्ट आंसर है डी एम्स ये सर ने एक वीडियो भी बनाया था कि एम्स जो है वो अपने नाम यहां पर चेंज कर रहे चेंज क्या कर रहे हैं जैसे एम्स अगर कोई है तो वो वहां के लोकल लीडर के नाम पर अपना ये नाम जा रहा है क्लियर हो गया ठीक है ना ठीक है भाई तो एम्स ये काम करने जा रहा है क्लियर है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल शूटिंग रेंज इनोगेटेड एट अब देखो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा कुछ ने अभी तक नहीं हुआ है और देखो ये नेवल शूटिंग रेंज ध्यान रखना मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि नेवल है नेवी शूटिंग रेंज है ये कहां पर अभी अभी इसका, इसका इनोग्रेशन किया, किया गया है या बी आई एन एस विक्रांत में किया गया है सी आई एन एस विराट में किया गया है या डी आई एन एस तलवार आई एन एस सब लोग जानते हैं वॉट इज आई एन एस आई एन एस होता है इंडियन नेवल शिप क्या होता है इंडियन नेवल शिप इंडियन नेवल शिप यस प्लीज मुझे लगता है ना कि शायद मेरी स्वेलिंग नहीं जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि आ, तो कुछ हेयर लाइन हो सकता है क्योंकि स्वेल्ड वैसा ही है पैर अब दर्द नहीं बचा है लेकिन स्वेलिंग बची है तो मुक्तक सर भी कह रहे हैं सर दिखवा लीजिए आप क्योंकि यू नेवर नो अभी एज नहीं है तो पता नहीं चल रहा है अगर वो हेयर लाइन बैठा नहीं ढंग से कुछ नहीं ठीक नहीं हुआ तो स्पेस बढ़ जाती है उसमें और स्पेस बढ़ जाती है तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ ठीक है सर करते हैं कुछ उसका भी इलाज ओह हा जी।, हाँ जी हाँ जी हाँ तो भाई जो हमारे यहां पर वाइस एडमिरल है विश्वजीत दास गुप्ता उन्होंने आई कर्ण पे ये पर इनोग्रेशन किया था ठीक है ना ये इंडोर शूटिंग रेंज है एस कर्ण पर इनगरेशन किया गया ठीक है विश्वजीत दास गुप्ता जी के गुप्ता जी ने हमारे जो वाइस वाइस एडमिरल एडमिरल है आप तो लिख लीजिए हमारे जो वाइस एडमिरल हैं उन्होंने ये इनगरेशन किया और ध्यान रहे ये एक इंडोर शूटिंग रेंज है ठीक है ना ये एक इंडोर शूटिंग रेंज है ठीक है और ये शूटिंग रेंज पर इनॉग्रेट किया गया है ये किया गया है एट आई कर्ण नोट कर लीजिए आई कर्ण पे नोट कीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके लिए ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन विच एग्रीकल्चर कॉन्ग्लोमिरेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ असम मणिपुर एंड त्रिपुरा टू एडवांस एंड प्रमोट ऑयल पाम ग्रोथ भाई ऑयल पाम ग्रोथ के लिए कौन सा यहां पर ये मतलब किस किसके साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये टाइप किया हुआ है किसके साथ किया हुआ है हाँ जी ये किया हुआ है असम मणिपुर त्रिपा की सरकार के साथ गोदरेज एग्रोवेट ने ठीक है ना ऑयल पाम के ग्रोथ के लिए ऑयल पाम के ग्रोथ के लिए ऑयल पाम के ग्रोथ के लिए नोट कर लीजिए ऑयल पाम ऑयल पाम के ग्रोथ के लिए ऑयल पाम, पाम के ग्रोथ के लिए ये एग्रीमेंट जो है किया गया था अच्छा एक बात मैं कह देता हूं एंड यू पीपल आल्सो स्प्रेड द वर्ड्स जो कल आ, मैंने अभी कल लॉन्च किया था डिफेंस वाला का जिसमें हम लोग फ्री मॉक टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं उस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का जो, जो टेस्ट होगा वो ऐप पर होगा अगर आप कभी एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो ठीक है अगर तुम कभी एनडीए का एग्जाम दे रहे हो मैंने कल एक लॉन्च किया था डिफेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर ठीक है और वो लॉन्च था ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज उस टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग उस टेस्ट सीरीज में सिंपली आपको तीन मॉक टेस्ट देंगे जो एग्जैक्टली रेप्लिका होंगे एनडीए के आपको पता चल पाएगा और वो मैंने बताया था कि वो टेस्ट सीरीज लाइव होने वाली है मतलब जिस वक्त पेपर का टाइम होगा सिर्फ उसी वक्त आप उसको दे पाएंगे टेस्ट आप दे पाएंगे ताकि उससे हम लोग बच्चों की रियल रैंकिंग निकाल के दे पाए आपको हम लोग आपकी ए आई प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो आप अगर कभी आप दे रहे हैं एनडीए का पेपर तो आप उसको स्प्रेड करिए और वर्ड यह स्प्रेड कर दीजिए जो मैं कल उसमें मिस कर गया था मैंने हालांकि उसमें कॉमेंट पिन कर दिया है वैसे अंडरस्टूड भी होता है अब लाइव होगा तो लाइव कहाँ होगा मैंने ऐप पर

ठीक है भाई चले आगे बढ़े ठीक है भाई चलिए तो भाई ये है गोदरेज एग्रोवेट इनके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है विद एग्रीकल्चर कॉन्ग्लोमरेट दी स्टेट्स ऑफ आसाम मणिपुर एंड त्रिपुरा अब बताओ ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है लीस्ट इंपॉर्टेंट है लीस्ट इंपॉर्टेंट एल आई लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे बट डेली कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर तो भाई सवाल तो लाने ही है जैसा एकदम तुच्छा सवाल भी होगा तो भी मैं लेके आ जाऊंगा ठीक है तो गोदरेज के साथ हुआ है इसमें क्या बता दें है ना ठीक है तो हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट तक एल से लेकर एम तक हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जर्नी फ्रॉम एल आई टू एम आई विल कवर ऑल दी करेंट अफेयर चलिए आ गया आइए नेक्स्ट हु इज सिलेक्टेड एज द पी पीएम ऑफ माली तो हो गया भाई ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं एक ये हो गया था एक ऊपर और हो चुका था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन वॉज लॉन्च किसने यहां पर वर्ल्ड की फर्स्ट ये पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया है जो हाइड्रोजन पावर्ड है करेक्ट बताइए करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज हाँ जी किसने किया है यून तो पहले आंसर कर देता है हाँ भाई बाकी लोगों को क्या लग रहा है यून सही है क्या एनी वन एल्स पाटन, लाइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है ठीक है अर्चित सी कह रहा है टीजे ब्रावो जर्मनी पातान वीडीटीएस, और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं हां भवल्य वशिष्ठ राघवेंद्र सिंह ठीक है क्विक विजन सब लोग जर्मनी बोल रहे हैं आयुष आयुष गुड evil यस सर अदिति शाह ओके भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं मिराज मीरा अरीज मिर्जा अरीज तो क्या तो तुम तो तो लोग ध्यान नहीं देते हैं हाजी ठीक है चलिए देखिए इसमें क्या हुआ है कि पहले जो डीजल ट्रेन चलती थी ठीक है ना पहले देखो डीजल इन डीजल ट्रेन चल रही थी उसको रिप्लेस करके जर्मनी ने यहां पर क्या किया है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लेके आ गया हाइड्रोजन पावर्ड ये पैसेंजर ट्रेन है तो ऑब्वियसली ये क्लीन एनर्जी का यह ऑल्टरनेटिव हो गया है ना क्लीन एनर्जी हो गई ठीक है तो आपका क्लाइमेट से जो बात होती है ना क्लाइमेट क्लाइमेट को जो टैकल क्लाइमेट टैकल करने का निंजा टेक्निक है हाइड्रोजन पावर्ड होगा जर्मनी ने किया है रिप्लेस्ड 15 रिप्लेस्ड डीजल ट्रेन ठीक है ना इसको रिप्लेस कर दिया करेक्ट आंसर है सी जर्मनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हु हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस 2020 ये तो हो चुका है इसको कर देते हैं डिलीट इसको कर देते हैं डिलीट हाजी आई आई टी गुवाहाटी डेवलप्ड टेक्निक फॉर मेकिंग शुगर सब्सटीट्यूट नेमड क्या बनाया हुआ है शुगर का सब्सटीट्यूट शुगर का सब्सिट्यूट क्या बनाया गया है यस yes, प्लीज नोट कर लीजिए, यस यस यस, एनी वन एनी वन सी करेक्ट आंसर है बैठना उठना मेरे लिए बहुत ज्यादा वो हो गया सी करेक्ट आंसर है जाइलिटॉल इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए ठीक है अब देखो यार ये है क्या देखो रिसर्चर्स जो थे आईआईटी गुवाहाटी के उन्होंने ये फर्मेंटेशन के थ्रू क्या किया है ये आ, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस बनाया जिसमें अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया गया है ठीक है और बहुत ही सेफली जाइलेटॉल को प्रोड्यूस किया गया है शुगर केन के बैगेज सेन का जो बैगासी होता है, वो होता है जब भी आप शुगर केन को क्रश करते हो तो वहां प्रोडक्ट निकलता है, मेकिंग शुगर नेम डैस, शुगर का हो चुका है ना वैसे क्या होता है कि आप शुगर के बैगासी से क्या करते हैं जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे आप बनाते हैं लेकिन अभी फिलहाल यहां पर क्या हुआ है यहां पर जायलेटॉल को बनाया गया समझ में आ रहा है ना क्लियर हो रहा है ना तो ये अप्रोच जो है वो एक तरह केमिकल प्रोसेस है ठीक है और इसमें कुछ ट्रेडिशनल तरीके जो फर्मेंटेशन के होते हैं वो नहीं होंगे ठीक right, है ठीक है भाई ऑल राइट काफी टेक्निकल क्वेश्चन है साइंस बेस्ड हो जाएगा चलिए आगे आइए हु हैज रिलीज अ बुक टाइटल इन न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 बता दिया है तो फिर से रिपीट हो रहा है रिलीज ah, पूछ रहा है अब को बताया नहीं था बताइए ये, ये किताब ऊपर था अरुण जेटली जी के ऊपर थी ठीक है अरुण जेटली जी के ऊपर थी अब ये किसने रिलीज करी थी रिलीज बाय एनी वन इन दी कॉमेंट बॉक्स किसने रिलीज करी थी ठीक है किसने रिलीट करी थी हमारे देश के हमारे देश के ए वेंकैया नायडू जी ने कौन है वेंकैया नायडू जी कौन है वेंकैया नायडू जी यस

वर्ल्ड इन दी स्मॉल नोट कर लीजिए बी करेक्ट आंसर है सत्तर साल के ये पायलट हैं ठीक है थीके? और ये पूरे वर्ल्ड में निकले स्मॉल एयरक्राफ्ट लेकर जहां ये लास्ट में बुलगेरिया में लैंड करते हैं जाके जहां ये लास्ट में बुल्गेरिया में लैंड करते हैं ठीक है ना ध्यान रखना एक पॉइंट तो ये दूसरा ये कितने सेवनटीन ईयर्स ओल्ड होते हैं सेवनटीन ईयर्स ओल्ड ये, ठीक है ना एक पॉइंट ये याद रखना ठीक है ठीक है अब इनके पास जो है बेल्जियम और बेल्जियम और ब्रिटिश दोनों की यहां पर इनके पास है बेल्जियम और ब्रिटिश दोनों की है ठीक है, चलिए आगे बढ़े अफ्रीका तो चालू होते हैं गल इंडिया पहुंचते हैं चाइना साउथ कोरिया जापान ठीक है ना ये इनका जर्नी रहता है अफ्रीका से तो चालू करते हैं ये, ठीक है बुल्गारिया, बेल्जियम यहां से है फिर ये शुरू करते हैं अफ्रीका तो मतलब जर्नी पूरी इनकी रहती है सवाल खाली इतना आने वाला चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उत्तर प्रदेश सीएम योगी सेटअप कहाँ करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया है ये लखनऊ इज द करेक्ट आंसर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सिंगापुर के लाइन पर ये बनाया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हाँ भाई इंटर नॉट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट अरे ये तो क्वेश्चन में लिख दिया गया क्या यार ये भाई मेरी गलती नहीं है ये मेरी गलती नहीं है ये मेरी गलती नहीं है भाई ये गलती जो है डीटीपी ऑपरेटर्स की है ये भाई डी टी पी ऑपरेटर की गलती है मेरी गलती नहीं है मुझे मत कहना देखो सीधी बात है ये मुझे मत कहना ये अपने आप ही मतलब क्या होता है पता नहीं क्या खा के बना रहे हैं ये लोग भाई <laughs> इंटरनोट कौन होता है पर ये देख लो इंटरनॉट मतलब वो व्यक्ति जो इंटरनेट और इसकी हिस्ट्री एंड पॉलिसी को जानता है इंटरनेट प्लस हिस्ट्री को जानने वाला व्यक्ति जो इंटरनेट की ऐसा हिस... नहीं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को जानने वाला ठीक है उसको यहाँ पर क्या बोल रेफर कर रहे हैं उसको यहाँ पर रेफर करते हैं इंटरनॉट क्या रेफर करते हैं उसको इंटरनॉट ठीक है क्या रेफर करता है ये नॉलेज के लिए इतना जान लो इंटर नॉट कहते हैं ठीक है थीके? कब होता है ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट तो वैसे ही उन्होंने लिख दिया वाह भाई वाह आंसर भी लगा रखा है ये भाई मेरी गलती नहीं है ठीक है ये मेरी गलती नहीं थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रिसेंटली आजादी क्वेस्ट अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल तो भैया ये एक तरह का ऑन आप देख सकते हो ना आजादी क्वेस्ट जैसे हमने एक आजादी का क्विज किया था है ना आजादी क्विज सतीश सर तो ये आजादी क्वेस्ट ये एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम बेस्ड फ्रीडम फाइटर के ऊपर फ्रीडम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ये सीरीज थी ठीक है तो ये किसने लॉन्च करी थी अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च करी थी रिसेंटली किसने की थी अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च की थी नोट कर लो रिसेंटली लॉन्च दिस इट हैज बीन बाय अनुराग ठाकुर नोट करिए इट हैज बीन लॉन्च बाय अनुराग ठाकुर नोट कर लीजिए लॉन्च बाय अनुराग ठाकुर नोट कर लीजिए डी करेक्ट आंसर है इसका ठीक है ऑल चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हु इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डी आर डी ओ मैंने बता दिया समीर के समीर वी कामत हटा दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज विद यूनेस्को टू प्रमोट एंड सेव गार्ड इन टेंजेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया हा भाई किसने किया है रॉयल एनफील्ड ने किया हुआ है रॉयल एनफील्ड ने किया हुआ है चैट पढ़ लो यार एक्चुअली क्या बैठा हूं ना मैं तो चैट से काफी दूर हूँ यार चैट से काफी दूर हूँ जी ठीक है तो यहां पर क्या है कि ये जो पार्टनरशिप है यूनेस्को के यूनेस्को के साथ किसने करी है यूनेस्को के साथ किसने करी है यूनेस्को के साथ रॉयल एनफील्ड ने पार्टनरशिप करी है रॉयल एनफील्ड ने ये पार्टनरशिप करी है रॉयल एनफील्ड ने ये पार्टनरशिप करी है ठीक है तो ये पार्टनरशिप ड दिन टैंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसने करा यूनेस्को के इसके साथ रॉयल एनफील्ड ने किया एनडीए के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की तैयारी कैसे करें यार इसके लिए ना तुम चाहो तो शक्ति वन पॉइंट टू के बाद देख सकते क्लास देख सकते हो शक्ति शक्ति या शक्ति टू पॉइंट हो जो भी देखना हो शक्ति टू पॉइंट हो देख सकते हो जो तुम चैप्टर्स में कमजोर हो उसको देख लो भाई बाकी तो तुम मैथ्स बाकी तुम पीसीएम की साइड की हो गई है ना पीसीएम वाले बच्चों को इसलिए तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री की दिक्कत नहीं होती है भाई बहुत से बात आपको बायो पढ़नी होगी तो आप बायो पढ़ सकते हो फिजिक्स भी पढ़नी है तो आपको रक्षक सर की क्लास मिल जाएगी आपको रक्षक सर की क्लास मिल जाएगी शक्ति टू में ठीक है रक्षक सर ने पढ़ाया हुआ है और वन शॉर्ट्स में वो चैप्टर टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं तो आप उसको टू पे लगा के देख सकते हो ठीक है आप उसको टू एक्स पे लगा के देख सकते हो ठीक है ना चलिए आगे बढ़े बढ़े आगे चलिए अब देखो यहां पर हाउ मेनी लेबर कोड्स आर सेट टू रिप्लेस ट्वेंटी नाइन लेबर लॉज आपको पता है देश में हमारे लेबर लेबर लॉज लॉज हैं। में कौन कौन से लेबर मतलब लॉज कितने लेबर लॉज में ये कंबाइंड हो जाएगा बेटा ये होने वाला है चार लेबर लॉज में कौन होने वाला है फोर लेबर लॉज। अब यहां पर फोर लेबर लॉज में क्या क्या होने वाला है देखिए यहां पर कोड वेजेस कोड द कोड ऑन वेजेस द कोड ऑन वेजेस कोड ऑन वेजेस नोट कर लीजिए कोड ऑन वेजेस सोशल सिक्योरिटी कोड सोशल सिक्योरिटी कोड और क्या है हाँ जी और क्या है एनी वन तन्मय ठाकुर चौर्य गिम्सर सर तबियत कैसी है अब अभी तो यार स्वेलिंग है बताया था मैंने सोशल सिक्योरिटी कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ठीक है ऐसे लिख लो ऑक्यूपेशन कोड लिख लो ताकि आपको याद रहेगा ऑक्यूपेशन कोड ऑक्यूपेशन कोड याद कर लो ऑक्यूपेशन कोड और हिमांशु ये तीन चार ही लोग दे रहे हैं जवाब यहां पर क्विक रिविजन क्विक रिविजन बोल रहे आप मेरे कमेंट देख रहा भाई तुम्हारा यही कमेंट दिखा मुझे ए क्विक क्विजन बिल्कुल सही है क्विक बिल्कुल सही है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है हाँ देख रहा हूं देख रहा हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है इन चार कोड में इन चार कोड में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इन चार कोड में जो है वो कर दिया गया है ये लेबर लॉस के उन्तीस लॉ को सबसाइड मतलब इनको समय मिला दिया गया ट्वेंटी लेबर लॉज आर नाउ कमिंग अप इन फोर ऑफ दीज लॉज ठीक है ठीक है भाई चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल आईनेस विक्रांत इज कंस्ट्रक्टेड बाय अब ये जो आई विक्रांत है पता है ये बहुत ही बड़ा न्यूज होने जा रहा है आई विक्रांत आपको बता देता हूं ये हमारा ये हमारा जो है फर्स्ट हमारा फर्स्ट इंडिजिनस ये हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और यह जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है यह हमारा क्या कर रहा है मतलब व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एयरक्राफ्ट को कैरी करता है समुद्र के बीच में आप इस स्पेस एयरक्राफ्ट लैंड करवा सकते हैं वहां से टेक ऑफ करवा सकते हैं ठीक है थीके? उसको रोका जा सकता है तो ये हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है ध्यान रखना हम इंडिया में अभी तक इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था लेकिन वो अभी तक इंडिया का इंडिजिनस नहीं था और वो था आई एन एस विक्रमादित्य आई एन एस विक्रमादित्य इंडिया के पास एक ही था अभी तक इंडिया के पास अभी तक सिर्फ एक था आई एन एस विक्रमादित्य लेकिन अभी इंडिया के पास दो हो गए हैं और दूसरा हो गया है आई एन एस विक्रांत दूसरा हो जाएगा आई एन एस विक्रांत ये इंडिया में कमीशन होने वाला है सेकेंड सेप्टेंबर को सेकेंड सेप्टेंबर दो हजार बाईस में अभी रिसेंटली कुछ दिन बाद ये होने वाला है क्या कमीशन इस इसमें मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं ठीक है इसमें मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूं और इंडिया का थर्ड भी प्रपोज है वो आपको रिसेंटली यहां पर पता चलने वाला है ठीक है तो अभी इसको किसने बनाया हुआ है डी करेक्ट आंसर है कोचिन शिप लिमिटेड इसने आई विक्रांत को यहां पर कंस्ट्रक्ट किया है इसको बनाया क्लियर हो गया प्रीलिम्स के लिए अभी क्या करना सही होगा एनसीआरटी पढ़ना सही होगा ठीक है हाँ ये वही है जो हमने ब्रिटेन से लिया था बिल्कुल कौन सा विक्रमादित्य की ये विक्रमादित्य थोड़ी लिया था पहले इनके नाम हुआ करते चलो आ जाओ नेक्स्ट अगला हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द आईएमएफ आईएमएफ के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया की इंडिया की तरफ से कौन है यस प्लीज हाँ जी कौन है जिसको बनाया गया है ठीक है जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट थे उनको यहां पर अपॉइंट किया गया है फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट थे केवी सुब्रमण्यम उनको अपॉइंट किया गया है नाउ एज राइट नाउ एज दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चीफ इकोनॉमिस्ट थे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट थे ये और अभी अभी इनको क्या किया गया है इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट दी आई एम एफ एट दी आई एम एफ क्लियर है ठीक है क्लियर है ठीक है तो चीफ अच्छा चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर लिख लो वरना पोस्ट ही बदल जाएगी चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर चीफ इकोनॉमिस्ट के एडवाइजर थे ये ठीक है सुब्रमण्यम इज दी करेक्ट आंसर क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए आगे आइए

भाई बता चुके हैं मार्च से लेकर जुलाई तक की कर लो एक मार्च से लेकर एक मार्च से लेकर दो तो अगस्त एक अगस्त या इकतीस जुलाई तक की कर लो ठीक है इतने तो करना ही पड़ेंगे इससे कम में तो काम चलने ही नहीं वाला भाई चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम दो हजार बाईस वीडी जी एस इज अ प्रोग्राम विद अ डिफेंस कॉम्पोनेट दैट वॉज ओनली रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर द स्टेट ऑफ किस स्टेट के लिए वीजीडीएस स्कीम लेके आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए लेके आए हैं ठीक है ना जम्मू कश्मीर के लिए लेके आए क्या लिखा हुआ विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम दो हजार बाईस अब ये जो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम दो हजार बाईस आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर के राज्य में इसको इनोग्रेट किया गया था ये नौ... मतलब वहां के लिए लाई गई थी ठीक है तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 ये प्रोग्राम था डिफेंस के कंपोनेंट्स को बिल्डअप करने का और जम्मू कश्मीर के राज्य में इसको किया गया ठीक है शशि गोस्वामी अनुज चौहान सर आप प्लीज बुक्स को लेकर वीडियो बना दीजिए यार बना देंगे अभी एग्जाम हो जाए पहले एनडीए वाला सारा उसी में बिजी रखे हुए हैं हाँ अच्छा सर आई एम आर्ट स्टूडेंट इसलिए पूरा साइंस नहीं आता बाकी सब क्लियर करूं Science के लिए अच्छा तो तुम यार यही कर सकते हो मैंने बताया ना कि आप शक्ति की on... तो तेरह सवाल होते ही होते हैं पचास सवाल आते हैं पूरे साइंस से तो आपको यही तरीका है यार दैट यू हैव टू गो फॉर इट अच्छा तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो बेटा मैथ्स कैसे कर रहे हो अनुराग एन सी पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फर्स्ट फेज की प्रिपरेशन में हो तो आपको ओनली एनसीआर ही पढ़ना है ओनली एनसीआर और एनसीआरटी में कौन सी एनसीआर ये नई वाली एनसीआर टी मत लेके बैठ जाना महाभाहयात किताबें हैं आप पढ़ना ओल्ड एनसीआरटी अगर आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो तो ओल्ड एनसीआरटी लेके पढ़ना बेटा ओल्ड एनसीआर और न्यू एनसीआर मिला दो ना ये दोनों ही पढ़नी पड़ेगी आपको और ये टोटल मिला के बावन किताबें हैं फिफ्टी इन 52 किताबों को पढ़ने के लिए कम से कम एक साल का समय चाहिए सिर्फ सिर्फ अगर एनसीआर पढ़ोगे बावन किताबें होती हैं फिफ्टी टू समझ रहे हो ये बहुत होता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप में बहुत है और बावन किताबें जो पढ़ के घोट के पी गया भाई उसका प्रबल्स कोई नहीं रोक सकता ठीक है सोल ऑफ हार्ट मेरा कमेंट देख लो देख लिया भाई हिस्ट्री कैसे करें अनुज चौहान अगर एनडीए के देखो यार मुख्त सर का पैर यू नो दैट फ्रैक्चर हो गया था उनके पैर में तो मैंने बताया था कि जो लोग मुख्त सर का हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो ये काम कर सकते हैं कि जब लास्ट फिस्ट हुआ था द लास्ट फिस्ट जब लास्ट फिस्ट हुआ था कब अप्रैल के मंथ में तो उनकी वो क्लास अभी भी डी डब्ल्यू के चैनल में पड़ी हुई है ठीक है तो वो उनकी शायद सात आठ घंटे की क्लास है मैराथन वो आप कर सकते हो वो वो अगर उनका पैर ठीक होता तो ऑफकोर्स हैव टेकन दी क्लास बट इसलिए उनको रेस्ट किया गया है फिफ्टी टू वीक्स पर ईयर होते हैं एक किताब को पढ़ने का बताओ आपके पास एक हफ्ता ही है आपको इस डेडिकेशन और इस स्पीड से पढ़ना है ये डेडिकेशन और ये स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए ठीक है ना जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में क्या डिफरेंस है भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है बट हाँ जनरल अवेयरनेस इज समथिंग जो बियॉन्ड करंट अफेयर्स चला गया ठीक है जनरल अवेयरनेस क्या हो गया पॉलिटिकल न्यूज़ भी हो गई वो जनरल अवेयरनेस है आपका तो आपको बस हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना है है ना करंट अफेयर्स समथिंग सेम बट करंट अफेयर्स मेनली एग्जाम ओरिएंटेड होता है ठीक है ये चीज बड़े आगे बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं हु इज द फाउंडर ऑफ ईशा अब देखो यार ये सवाल एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला ईशा फाउंडेशन पता नहीं कौन कौन से फाउंडेशन होते हैं पता ही आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है बट स्टिल हम कर रहे हैं क्यों क्योंकि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया जाए हाँ जी एनी वन थर्टी फर्स्ट को आप कब क्लास को क्लास यार दिन में होगी स्टार्ट होगी क्योंकि लंबी क्लास होनी होगी ना हाँ जी हाँ जी बताइए ठीक है यू नहीं ये आपका जग्गी वासुदेव जग्गी वासुदेव इज दी करेक्ट आंसर जो ईशा फाउंडेशन के यहाँ पर फाउंडर है ठीक है बस सिंपल क्वेश्चन आप देखो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है करंट से का कोई लेना देना नहीं है ठीक है करंट से का कोई भी लेना देना नहीं है सर मैथ्स अच्छा है मेरा बट फिर भी साइंस नहीं आता है यार साइंस के लिए फिर यही कर सकते हो मैं तुम्हारा रेजोल्यूशन यही बता सकता हूँ कि आपको यही करना पड़ेगा चलिए आगे बढ़े फोर्थ एडिशन आप देखिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ एडिशन जो है इंडिया क्लीन एयर समिट टूक प्लेस इन अब ये क्लाइमेट को डील करने के लिए क्लाइमेट को फाइट करने के लिए यहां पर एक समिट हुआ था नोट कर लिए आपको पता है कि एक एक, एक, एक समिट होती है इसको बोला था बहुत पहले हुई थी इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पेरिस पेरिस एग्रीमेंट ठीक है अब ये काफी एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था काफी लैंडमार्क एग्रीमेंट था क्योंकि इसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबल लेवल पे दो डिग्री सेल्सियस नीचे ले आएंगे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लेवल्स इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जब आपका इंडस्ट्रलाइजेशन हुआ था इंडस्ट्रलाइजेशन के टाइम पे जो आपके टेम्परेचर था ग्लोबल टेम्परेचर उस ग्लोबल टेम्परेचर से हम अपना अर्थ का टेम्परेचर दो डिग्री सेल्सियस नीचे लाएंगे ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट डील था जिससे बाद में यूएस अपने आप को विड्रॉ कर लेता है ठीक है ना यूएस अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो भाई बताइए होती है तो यहां पर हुआ है आईसीएस इंडिया का। इंडिया का की मीटिंग कहां पर हुई है ये आईसीएस की मीटिंग कहां पर हुई है ये हुई है सी बंगलुरु में बैंगलोर लिखा है गलत लिखा हुआ है बंगलुरु आजकल हो चुका है ठीक है तो ये सी बंगलुरु में हुई है ठीक है ना ठीक है भाई क्लियर है ठीक है सर एक लाइव वन शॉट ले लो करंट अफेयर्स का थर्टी फर्स्ट को हो रहा है ना यार थर्टी फर्स्ट को भाई बता तो दिया कितने बताएं थर्टी फर्स्ट को जो करंट अफेयर्स होगा वो आपका मार्च से लेकर जुलाई तक का होगा ठीक है मार्च से लेकर जुलाई तक का होगा और उसके पहले करंट अफेयर्स करना है तो नाइन्थ अप्रैल को मैंने क्लास शायद ली थी नाइन्थ या टेंथ अप्रैल को वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होगा ठीक है चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए अच्छा एक बात ये तुम लोग ने देखी कि नहीं ये एक बार मुझे लगता ये वाला तो मिस आउट कर गए हैं इसमें हो क्या रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसको ओल्ड एनसीआरटी न्यू एनसीआर बताने के चक्कर में इसको ऑब्जेक्टिव क्या है यार देखो ये विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम है ना देखो क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर आर्मी रहेगी इंडियन आर्मी रहेगी ठीक है इंडियन आर्मी रहेगी और प्लस यहाँ पर पुलिस भी रहेगी और ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग मिलकर जो लोकल्स हैं गांव के लोग हैं लोकल्स को ट्रेन कर रहे हैं लोकल्स को ट्रेन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ना लोकल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है ध्यान रखना लोकल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इस तरह कॉन्सेप्ट है जहां पर लोकल्स को ट्रेन करके उनको एक तरह का फौजी फिर उनको बनाने की कोशिश करी जा रही है इंडियन आर्मी और पुलिस के द्वारा जम्मू कश्मीर करी करी, ऑफ कोर्स वहाँ के देखो लोकल्स ही जब आप उन लोकल्स को ही इस तरह का गार्ड बना दोगे उनको आप नौकरी दे दोगे कि भाई इस स्कीम के तहत तो उनको हम गार्ड्स बना रहे हैं डिफेंस गार्ड्स हैं गांव-गांव के लोग हैं तो कोर्स जब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों में मिल जाएंगे तो वहाँ पर अपने आप वो जो लोग अंदर बैठे हैं वो भी अपना टेरिज्म छोड़ देंगे ठीक है ठीक है ना अब आप डेली नाइन ए एम को ही क्लासेस लोगे नहीं एनडीए नहीं, तो हमेशा है ये तो ली तो ली भाई जब तक जिंदा हूं मैं तब तक चाहे चले यू नेवर नो बट ये क्लास तेईस मई से हो रही है, से हो रही है। पहले 6 होती थी, इसको चेंज किया गया ठीक है ठीक है ना एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नो पत्थरबाजी खलियर बैठे रहेंगे तो पत्थरबाजी करेंगे वुमेन्स इक्वालिटी डे दो इज ऑब्जर्व ऑल ओवर वर्ल्ड कब होता है कब होता है हाजी ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट को होता है ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट को होता है ठीक है नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए और थीम क्या है इसका थीम है इसका जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेंड टुमारो फॉर सस्टेंड टुमारो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेंड टुमारो क्लियर है ठीक है जी ठीक है जी ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट आइए अगला सवाल है सक्सेसफुली टेस्टेड पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट इन पोखरम किसने भाई अब ये कौन करेगा रॉकेट रॉकेट का कौन करेगा रॉकेट रॉकेट कौन करेगा लिख लीजिए डीआरडीओ 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 ने पिनाका जो रॉकेट्स होते हैं उसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है रॉकेट का उसको पोखरण में टेस्ट किया है और किसने किया है डीआरडीओ ने किया है नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए डीआरडीओ ने उसको किया था बनाया था और उसको फायरिंग रेंज जो पोखरण राजस्थान में है वहां पर इसको किया गया है टेस्ट ठीक है पंद्रह फीट लॉन्ग मिसाइल है ये पंद्रह फीट लंबी मिसाइल है ये ध्यान रखना पंद्रह फीट लंबी मिसाइल है ध्यान रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अगला सवाल हू हैज वन द्वेंटी एट अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट कभी एग्जाम में नहीं आएगा अबू धाबी चेस टूर्नामेंट कौन पूछेगा अर्जुन एरि एरिगासी का है अर्जुन एरिगासी अर्जुन एरिगासी अर्जुन एरिगाइसी नोट कर लीजिए अर्जुन एरिगासी नोट कर लीजिए ठीक है अब एक काम कर रहे हैं यार इससे ज्यादा मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है मैं एक काम करता हूँ इसको यहीं पर रोक लेते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे इसके ठीक है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बचे हैं अभी यार ये क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ बीस क्वेश्चन बचे हैं अभी देख रहे हो यहीं पर रोक लें क्योंकि ऑलरेडी ठीक है यहीं रोक लेते हैं ठीक है बेटा मेरी एक्चुअली आज शाम को दो क्लास है एक चार बजे भी है एक साढ़े छः बजे भी है और फिर अभी जो टेस्ट होने हैं एनडीए के उसके क्वेश्चन क्वेश्चन भी क्रिएट करने हैं उसके सॉल्यूशंस भी क्रिएट करने हैं आप लोगों के चलिए कॉमनवेल्थ पे कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कॉमनवेल्थ पे क्वेश्चन आ सकते हैं नो डाउट अबाउट इट क्योंकि पेपर वो कॉमनवेल्थ खत्म हो गया था आठ तारीख को उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हो गई थी भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता भरमंगम ओलंपिक्स कहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए ये सब चीजें आपसे आ सकती हैं इंडिया को रिप्रेजेंट किसने, किसने किया फ्लैग बीर कौन रहा ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है ठीक है भाई चलिए फिर यही रोक लेते हैं मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल की क्लास में मिलते हैं और कल ये क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत क्वेश्चंस हैं यार अभी तो ठीक है स्लाइड्स थी आज तो ये इन चार दिन का हो गया था चलिए फिर दैट्स सॉल आप लोग ध्यान रखिए अपना ठीक है अपना, अपना ध्यान रखिए अपना सेहत का ध्यान रखिए खाइए पीजिए खूब मौज दैट्स ऑल फॉर टुडे पढ़ाई करिए खूब मेहनत करिए